नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिया जलाने के नियम। कौन सी दिया जलानी चाहिए, घी या तेल? तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में सभी देवताओं की पूजा में दीपक का खास महत्व होता है। पूजा में दीपक जलाना शुभ और पवित्र माना जाता है। दीपक सकारात्मक और तेज का प्रतीक है। शास्त्रों में भी दीपक जलाने का महत्व बताया गया है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद उससे निकलने वाले प्रकाश हमारे जीवन में अंधकार को दूर करता है। हालांकि शास्त्रों में दीपक जलाने के नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है, वरना देवता नाराज हो सकते हैं और घर पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। चलिए जानते हैं दीपक जलाने से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहले जो नियम है, वो दीपक जलाने के जो लाभ है वो किस प्रकार मिलती है? तो शास्त्रों में किसी भी शुभ कार्य में दीपक जलाने का विधान है। देवताओं की पूजा से लेकर हवन, पाठ या किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में दीपक जलाना शुभ होता है। दीपक जलाने से ना सिर्फ जीवन का अंधकार दूर होता है, बल्कि घर में मौजूद निगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। शास्त्रों के नियमों के अनुसार दीपक जलाने से जीवन की परेशानियां खत्म हो जाती है, सभी तरह के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दीपक जलाने के जो नियम हैं वो जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दीपक को सदैव उचित स्थान पर जलाना चाहिए। मंदिर में दीपक को हमेशा भगवान की प्रतिमा के सामने रखें। अगर दीपक घी का है तो उसे अपने बाएं साइड रखें। वही तेल के दीपक को दाईं ओर रखना चाहिए। तेल वाले दीपक में हमेशा लाल बाती का उपयोग करना चाहिए। वही घी के दीपक में रुई की बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा स्थल पर दीपक को पश्चिम दिशा में ना रखें, इससे आर्थिक परेशानी आ सकती है। पूजा में खंडित दीपक का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आ जाती है। घर में हर शाम को मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए, इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और सुख समृद्धि का वास होता है। नहीं जलाना चाहिए खंडित दीपक। ज्योतिष के अनुसार कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। खंडित दीपक जलाने से जीवन संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पूजा करते समय सही और साफ दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सुबह शाम घर में दीपक जलाते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि घी वाले दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बाती का इस्तेमाल करें और तेल वाले दीपक के लिए कलावा से बाती बनाएं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक ये तरीका ही सही माना गया है। घी का दीपक सफ़ेद खड़ी बाती से जलाना चाहिए। इस प्रकार के बत्ती को फूल बत्ती भी कहते हैं। किसी भी प्रकार का तेल हो, उससे जलने वाले दीपक की बत्ती लंबी होनी चाहिए। किसी भी पूजा का विशेष फल प्राप्त करने के लिए तिल के तेल का दीपक जलाए तो उसमें लाल या पीली बत्ती लगानी चाहिए। क्या घी का दिया जलाने से मिलती है खुशखबरी? चलिए ये भी जान लेते हैं। घी का दीपक सभी देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है, जबकि तेल का दीपक इष्ट देवता के लिए जलाया जाता है। भैरव देवता की पूजा के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाने का विधान है। तिल के तेल का दीपक मनोकामना की पूर्ति के लिए जलाया जाता है। आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए घी का दीपक जलाया जाता है, इससे देवी और देवता प्रसन्न होते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा में घी का दीपक जलाने से घर में कभी पैसों की कमी नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।